तो यहाँ पे जो दोस्तों डोसा बनने जा रहा है वो नॉर्मल डोसे से बिल्कुल ही डिफरेंट है, और डिफरेंट इसमें क्या है वो आपको इस वीडियो को देखते देखते पता चलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है, ये जो डोसा हमारे सामने बन रहा है इसका प्राइस इतना है कि उसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। पर इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, अब ये आप लोग मुझे बताइएगा कि इसके प्राइस के हिसाब से वर्थ इट है या नहीं, लास्ट में आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डोसा का बैटर डालने के बाद डाल दिया गया है मक्खन की टिक्की एक बड़ी सी, चारों तरफ रब करके मतलब मक्खन से मालिश कर दी गई है डोसे की, और ऊपर भी थोड़ा सा मक्खन डाल दिया गया है। अब देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चॉप्ड कैप्सिकम और टमाटर पड़ा है, थोड़ा सा और कैप्सिकम पड़ा, ढेर सारी धनिया की पत्ती पड़ी है फ्रेश चॉप। अब ये है शेजवान सॉस, और अब बारी आती है यहाँ पे डालने की ग्रेटेड पनीर। ये पनीर इसको इन्होंने भैया ने हाथ से कट करके या हाथ से मसल के इसमें डाल दिया है। और अब ये गुजरातियों की जान जिसको बोलते हैं चीज़, और इसमें भर भर के चीज़ डाला जा रहा है। लेकिन अगर फ्रैंकली स्पीकिंग मैं एकदम सच अगर दिल की बात बोलूँ ना, तो बीइंग अ नॉर्थ इंडियन इतना ज़्यादा चीज़ हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप गुजरात में जाएंगे तो आपको हर जगह भर भर के इतना ज़्यादा चीज़ मिलेगा। एक देख सकते हैं आप, पूरा ग्रेटेड चीज़ जो था वो डालने के बाद एक और चीज़ का ब्रिक ले आया गया यहाँ पे, और इसमें पूरा भर के डाल दिया गया है। अरे भाई कितनी चीज़ पड़ेगी इसमें। चीज़ का पूरा पहाड़ बना दिया गया है। अब इसके बाद डाला गया कुछ मसाले, ये रेड चिली पाउडर, ये डाला गया है ऑयल, और अब इसकी मालिश होगी ज़बरदस्त। थोड़ा सा पानी डाला जा रहा है बॉटल से, आप देख सकते हैं इसको थोड़ा गीला करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है चीज़ जो है ना, वो पानी और जो ग्रेवी के जो रस होते हैं ना उसको भी अब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए यहाँ पे पानी डालना ज़्यादा ज़रूरी है। और प्लस जो अगर उसके ऊपर पानी रहेगा ना, तो जो नीचे डोसा पक रहा है वो चिपकेगा नहीं तवे के ऊपर और वो जलेगा नहीं। तो दो रीज़न की वजह से यहाँ पानी डाला गया। अब इसको अच्छे से पका लेंगे। कुछ ही सेकंड में सब्जी हमारी बन के तैयार है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और इनकी सर्विंग स्टाइल आप देखिएगा एकदम ज़बरदस्त है। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि इसका प्राइस आपके होश को उड़ा देगा, तो मैं बता दूं आपको यहाँ पे इसका प्राइस है 260 रुपये। तो क्या ये प्राइस वर्थ इट है डोसे के लिए, आप कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अब आइए इसकी प्लेटिंग आपको दिखा देते हैं एक बार, कि इसकी प्लेटिंग में क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं। एक डोसा ये हमारे पास आ गया है। अब इसी के साथ जो हमारी भाजी बनी थी इसको रख दिया गया इस पर, और साथ में ये रखी जा रही है नारियल की चटनी, ये रखा जा रहा है सफ़ेद छाछ, और ये रखा जा रहा है सांभर, और ये हमारा डोसा बनके रेडी है।